हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर की है। टैली प्राइम के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि शाम को 8:30 बजे से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास चल रही है। तो जो लोग CCC या ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, इसके अलावा इसमें लिब्रा ऑफिस की भी हम लोग बात कर रहे हैं, यानी इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ साथ लिब्रा ऑफिस को भी लेके मैं चल रहा हूँ। तो जो लोग भी सीखना चाहते हैं ऑनलाइन आकर के, वो हमारे साथ 8:30 बजे से जुड़ सकते हैं। तो 8:30 से लगभग 9:30 या उसके पहले 45 मिनट कम से कम ये लाइव क्लास चलती है, तो आप चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम की इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करके टैली प्राइम को ओपन करते हैं। और टैली प्राइम को ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, टैली प्राइम को ओपन करने के बाद हमारे एक व्यूअर है जिनका कॉमेंट आया हुआ है, और कॉमेंट में इन्होंने कहा क्या है उसको देख लेते हैं कि इन्होंने कहा क्या है, ठीक है, फिर जो है आगे हम डिस्कस करते हैं। तो कहना है कि अगर किसी ने उधारी माल परचेस किया है फिर 4 महीने बाद पैसा दिया तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, सर प्लीज बताइए। तो चलिए ये देखते हैं ऐसी एंट्री को कैसे हम करेंगे टैली प्राइम के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा टैली प्राइम है, आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। अब ओपन होने के बाद हमें कोई एक कंपनी बना लेनी है, हमारे पास पहले से बनी बनाई बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन हम चलते हैं न्यू कंपनी बना के करते हैं, ताकि और भी अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो आपको और भी चीजें डिटेल में पूरा समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ से चल के और क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और एंटर कर देंगे, और एंटर जैसे ही करेंगे तो आपके सामने एक नया फॉर्म खुलेगा, इसी फॉर्म को भरना है, आपका सारा डेटा इसी पाथ पे जाके सेव होगा। देख सकते हैं ये सी है, यूजर से पब्लिक है, tally.erp9 है, और यहाँ पे डाटा, यहाँ पर जाकर के सारा डेटा सेव होगा आपका, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस कंपनी को हम नाम क्या दे देंगे, myshop.com, ये हमने नाम दे दिया इस कंपनी को, एंटर किया। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपका जो कंपनी का लोकल एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा, तो न्यू कॉलोनी देवरिया हमने रख दिया है, आपका जो भी होता हो वो रख सकते हैं। यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी है, तो यहाँ पे स्टेट जरूर डाल दीजिएगा, तो ये डाल दिया स्टेट। अब यहाँ पर आएगा पिन कोड, तो यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं लोकल एरिया का, आप भी अपने लोकल एरिया का पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स वगैरह डाल दीजिएगा। बाकी इन सारी चीजों को मैं स्किप कर रहा हूँ, नीचे आता हूँ। यहाँ पर आपको INR, ये फॉर्मल नेम है इंडियन करेंसी का, और ये इंडियन करेंसी का फॉर्मल सिंबल है, ठीक है, देख सकते हैं ये सिंबल है इंडियन करेंसी का। अब यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। जब एक्सेप्ट कराएंगे तो इसमें सबसे पहले GST चालू करना है आपको, क्योंकि इंडिया में अभी GST ही चल रहा है, तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा। यहाँ पर जाकर के टैक्सेशन में देख सकते हैं, ये जो टैक्सेशन वाला सेक्शन है यहाँ पर देखिए, ये वाला जो सेक्शन है इसमें जाकर के पहला ऑप्शन आपको यस करना है, तो यहाँ से जाके यस करके एंटर करिएगा तो ये विंडो ओपन होती है। यहाँ पर आकर के रेगुलर रखिएगा, रेगुलर रख के यहाँ पर आप अपना GST IN नंबर एंटर कर सकते हैं, एंटर करके यहाँ पर हम मंथली GST फाइल करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, फिर यहाँ पर इसको यस कीजिएगा। अब यहाँ पर आप दो तरीकों से, दो नहीं बल्कि और भी तरीके हैं, यहाँ पे शो मोर पे जाइएगा तो ये तीसरा तरीका भी नजर आएगा। तो यहाँ पे तीन तरीके आपको GST को जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप GST लगा सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, यूज GST क्लासिफिकेशन का यूज कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफाई इन वाउचर, वाउचर में ही स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन फिलहाल हमें रखना है, एंटर करना है, नीचे आना, यहाँ पे 8 अंकों का HSN कोड आता है, ठीक है, तो ये हो गया 4567 8, तो ये 8 अंकों का HSN कोड डाल के, डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल करके और स्पेसिफाई हियर करके, फिर यहाँ टैक्सेबल रखिएगा, और यहाँ पे 12% बाई डिफॉल्ट GST लगा रहा हूँ। थ्रेशोल्ड लिमिट देख सकते हैं 50,000 है, एंटर करके इसको अब लास्ट तक आपको जाना है, एंटर लास्ट तक करना है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब एक्सेप्ट हो गया तो हमारे कंपनी में कुछ फंड होना चाहिए, तो फंड को न रिसीव कराते हुए हम सीधा कहाँ चलते हैं, परचेज वाउचर में, क्योंकि जो क्वेश्चन है वहां पे सीधा आ जाते हैं। वाउचर में जाने के लिए आपको प्रेस करना है F9, क्या प्रेस करना है, F9 प्रेस करना है, तो आप F9 प्रेस करके आ जाइए परचेज वाउचर में। तो ये आपका परचेज वाउचर है, यहाँ आ गए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सप्लायर द्वारा जो आपको बिल मिला है, सप्लायर द्वारा उसमें जो बिल नंबर दिया गया वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, डाल दिया, फिर एंटर करिए। अब वो डेट चुनिए जिस डेट पर आप परचेजिंग करना चाहते हैं, तो यही डेट है, इसी डेट पे हम परचेजिंग करेंगे। अब ये डिसाइड कीजिए कि परचेजिंग कैश में करनी है या उधार में करनी है, तो कैश का लेजर बनता नहीं है, उधारी वाली बात है। इन्होंने कहा है कि 2-3 महीने बाद पेमेंट करना है खरीद करके सामान, तो अब हम खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, यानी हम लोकल सप्लायर हैं और हमने होलसेलर सप्लायर से सामान खरीदा है, तो होलसेलर ने हमें एक बिल दिया है, उस बिल की एंट्री हम अपने यहाँ परचेज वाउचर में टैली सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिएट ऑप्शन पे जा सकते हैं या अल्ट सी भी प्रेस कर सकते हैं, तो अल्ट सी प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
सप्लायर पार्टी का लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा सप्लायर वन, ये सप्लायर वन के नाम से लेजर आया। अब यहाँ पे इसका ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, सप्लायर पार्टी का ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर। ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखिएगा, बाकी सारी डिटेल एंटर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करवा लीजिएगा और यहाँ पर एंटर करते हुए नीचे आ जाइएगा। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आता है परचेज का लेजर, तो यहाँ पी यू आर सी एच ए एस ई परचेज अकाउंट का एक लेजर बनाइएगा, एंटर करिएगा और यहाँ पर आकर के ग्रुप इसका रखना है परचेज अकाउंट, तो ये परचेज अकाउंट का ग्रुप रखिए, ठीक है, एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए। तो जब ये एक्सेप्ट करवाएंगे तो यहाँ पर आपको देना है नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम आप कैसे दे सकते हैं, तो नेम ऑफ आइटम देने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, तो आपके बिल में जो मेंशन है वो आप बना लीजिए स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम कैसे बनेगा, शॉर्टकट की होती है अल्ट सी, तो अल्ट सी प्रेस कीजिए और यहाँ पे स्टॉक आइटम बना लीजिए, जो भी स्टॉक आइटम आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बासमती राइस बनाते हैं, बासमती राइस आर आई सी ई, एंटर किया एंटर किया एंटर किया। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अब क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे ये बिकेगा किलो में, फॉर्मल नेम हो जाएगा किलोग्राम इस तरीके से, और एंटर करके यहाँ पर के प्रेस कीजिएगा तो यूक्यूसी कोड आता है, यूनिट क्वांटिटी कोड इसे बोलते हैं, और ये किलोग्राम करके यहाँ पे थ्री रख दीजिएगा। थ्री रखने से फायदा ये है कि आप जो है पॉइंट में भी मतलब आधा किलो भी सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया, एंटर करेंगे और एंटर करके और फिर यहाँ चाहे तो स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड रेट नहीं सेट किया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराता हूँ, तो ये आ गया। अब मान लीजिए कि ऐसे 50 पैकेट हमने मंगाए हैं, 50 किलो चावल हमने मंगाया है, ठीक है, और एक किलो की खरीद रेट कितनी पड़ी, 70 रुपए किलो के हिसाब से पड़ी है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे जैसे ही आते हैं तो अल्ट सी करके अब हम बनाएंगे क्या, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो ये हो गया सीजीएसटी, एंटर करेंगे और ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दिया, यहाँ पे जीएसटी ही रहेगा और ये सीजीएसटी रहेगा, एंटर करेंगे नॉर्मल राउंडिंग करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा। अब सवाल ये उठता है कि सीजीएसटी ही क्यों, क्योंकि हमारी सप्लायर पार्टी उसी स्टेट की है जिस स्टेट का हमारा कंपनी है, इसी वजह से यहाँ पे सीजीएसटी, और सीजीएसटी जब लगेगा तो उसके साथ एसजीएसटी लगाना कंपलसरी, तो एसजीएसटी भी कर दिया और ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखते हुए जीएसटी रखते हुए यहाँ पे एसजीएसटी कर लीजिएगा, ठीक है, एसजीएसटी कर दिया, राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग करके आगे बढ़िएगा, एंटर करिएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप दे सकते हैं द गुड्स Have been purchased, P-U-R-C-H-A-S-E-D, on credit, ठीक है, on credit का मतलब हो गया उधार में, और इसको accept करा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल के डेट में ये उधारी की purchasing हुई है। अब कितनी की purchasing हुई है, इसको accept करा लेते हैं, फिर बाहर आने के लिए आपको इसके बटन ESC का बटन प्रेस करना है, बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद यहाँ पर दो बार D प्रेस कीजिएगा और इसको ओपन करके Alt P करके एंटर करिएगा। जब एंटर करेंगे तो इसका प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये बिल कुल मिला के कितने का है। यहाँ से जूम करता हूं तो देखिए ये बिल जो है कुल मिला के 3920 रुपए का है, ठीक है, देख सकते हैं 3500 का आपका कुल सामान है और 210 जो है सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, यानी 3920 रुपए का सामान हमने कितने तारीख को परचेज किया है, 1 तारीख को। अब इसका पेमेंट हमको करना है, तो पेमेंट हम करेंगे कब, बाद के डेट में करेंगे, ठीक है, तो बाद के डेट में कैसे जाएंगे, पहले इससे बाहर आते हैं, ये बाहर आ गए, यहाँ से बाहर आ गए, यहाँ से बाहर आएंगे, बाहर आने के लिए इसके बटन ही प्रेस करना है आपको, ये तो पता ही है। अब यहाँ से बी बटन प्रेस करके चलते हैं कहाँ, पेमेंट वाउचर में, तो जब परचेज करेंगे तो पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं। अब पेमेंट वाउचर के लिए क्या प्रेस करना है, शॉर्टकट की F5, क्या प्रेस करना है, F5, तो यहाँ पे F5 प्रेस कर देते हैं, तो ये F5 प्रेस किया, देखिए हम आ चुके हैं पेमेंट वाउचर में, यहाँ आपको पेमेंट दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आपको डेबिट नजर आएगा। जब डेबिट नजर आएगा तो सवाल ये उठता है कि डेबिट करेंगे किसको, और हमें तो 2 महीने बाद पेमेंट करना है, तो हम जून में पेमेंट करेंगे या जुलाई में, तो जैसे मान लीजिए डेट को चेंज करना है तो आप F2 प्रेस कीजिए और यहाँ पे कर दीजिए 1/7/2024, ठीक है, तो जो डेट चेंज करेंगे वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब डेट चेंज हो गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा देना, सप्लायर पार्टी, तो 3920 रुपए का जो सामान हमने परचेस किया था उसका यहाँ पे हम जो है ये कर रहे हैं, देखिए 3920, अगर आप चाहे तो यहाँ पर केवल अगर 3900 देते हैं तो बाकी के पैसे बकाया रह जाएंगे, तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ दिखाएगा कि कितने रुपए बाकी रह रहे हैं, तो देखिए ये 20 रुपया बाकी है, यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है कि इनका बैलेंस कितना बाकी है, 20 रुपए, ठीक है। अब ये पैसा कैश में दिया जा रहा है तो यहाँ कैश कर दीजिए, हालांकि हमारे पास कैश है नहीं जिसकी वजह से यहाँ पर आएगा नेगेटिव कैश का मैसेज, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे तो देखिए ये नेगेटिव कैश आ रहा है, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे देखिए ये बैक आए, फिर से आए, कैश लगाया, कैश लगाया, अब यहाँ पर नेगेटिव कैश का मैसेज आ रहा है,
तो नेगेटिव कैश कैसे पता नेगेटिव कैश, एक तो यहाँ पे रेड में ये शो करेगा, बाकी यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स भी आता है जिसमें नेगेटिव कैश दिखाता है, ठीक है, जो अभी अभी आ रहा था। अब हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कराने से पहले आप कैश रिसीव करा लीजिएगा। अपने कंपनी में रिसीव कराने का क्या प्रोसीजर है, तो रिसीव कराने का प्रोसीजर ये है कि पहले यहाँ से बाहर आ जाइए वी बटन प्रेस करके, और यहाँ से आ जाइए रिसिप्ट वाउचर पर, यानी एफ6 पे आ जाइए। एफ6 पे आके यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का एक लेजर क्रिएट कीजिए। तो कैपिटल अकाउंट कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है, उसे हम रुपया पैसा या किसी अन्य नाम से नहीं जानते। तो एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हो गया कैपिटल। अब कितना कैपिटल हम यहाँ पर रिसीव करा रहे हैं, तो ये इतना कैपिटल हम रिसीव करा रहे हैं और ये कैश में करा रहे हैं। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब आ जाइए आप कहाँ पर, पेमेंट वाउचर में। तो आप सेम वही एंट्री कर लीजिए जो पहले कर रहे थे। तो सप्लायर पार्टी का यहाँ पे बिल है, अब हम पूरा का पूरा 3920 रुपए इनको पेमेंट कर देते हैं। अब ये अगेंस्ट डिफरेंस आ गया, यहाँ पर हम कैश में करेंगे। अब हमारे पास कैश है तो यहाँ नेगेटिव कैश यानी ये रेड में नहीं आएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यही वो तरीका है जिससे आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जब दोबारा इसी का लेजर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे इनका बैलेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब तो कुछ बकाया रहा नहीं इनका, तो बैलेंस क्या हो जाएगा आपके टैली सॉफ्टवेयर में इनका जीरो दिखाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।